नमस्कार। पर्यटन और संस्कृति विभाग की ओर से बलिया में आयोजित रामायण कॉन्क्लेव पर विशेष रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति विभाग की ओर से बलिया में आयोजित रामायण कॉन्क्लेव के तीसरे पड़ाव पर राम और उनके भाइयों के बीच के प्रेम के दर्शन तो हुए ही, देशभक्ति की बयार भी खूब बही। महर्षि भृगु और बाबा बालेश्वर नाथ की नगरी में एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से कलाकारों ने सबका मन मोह लिया। अंतर्राष्ट्रीय कथक कलाकार रविशंकर व ममता टंडन, लोकगीत गायक गोपाल राय बंटी वर्मा के साथ आजमगढ़ से आए राजकुमार शाह की टीम ने नाटक की प्रस्तुति की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संसदीय राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप यहाँ इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, इसके लिए सभी अधिकारी सराहना के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि कथक नृत्य व अन्य कार्यक्रमों के बाद सबके मन में ऐसा जरूर भाव पैदा होगा कि हम सबको भारत की पारंपरिक संस्कृति को पहचानने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केवल भारत ही ऐसा देश है जहां देवियों को पूजने की व्यवस्था है। रामायण में भ्रातृ प्रेम से हम सबको सीख लेने की आवश्यकता है, यही इस रामायण कॉन्क्लेव की सार्थकता है। अंतर्राष्ट्रीय कथक कलाकार रविशंकर व ममता टंडन के नृत्य पर थिरके दर्शक। रामायण कॉन्क्लेव में अंतर्राष्ट्रीय कथक कलाकार रविशंकर का कार्यक्रम सबसे खास रहा। उनके साथ प्रख्यात कथक नृत्यांगना डॉक्टर ममता टंडन व उनकी शिष्य मांडवी देवी भी थी। तीनों कलाकारों ने गणेश वंदना, तीन ताल और शिव तांडव पर शानदार कथक नृत्य कर सबको प्रभावित कर दिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया पर ममता टंडन और उनकी टीम ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। वाराणसी के विनम्र शुक्ला ने भजन से भक्ति की सरिता बहाई। नृत्यांगना स्नेहा डे ने घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया गीत पर मनमोहक कथक नृत्य प्रस्तुत किया। इससे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत बिरहा गायन से हुई। इसके बाद बिरहा गायक छवि लाल ने बिरहा के जरिए देशभक्ति के जज्बे को जगाया। उन्होंने कहा कि दुनिया ई भारत महान देशवा के साथ देश की आजादी के लिए संघर्ष में शहीद हुए मंगल पांडे पर आधारित गीत व हम के खादी वाली चुनरी मंगाई द पिया जैसे कजरी गीत भी प्रस्तुत किए। छवि लाल ने श्री राम के जनकपुर आगमन पर मन मोहे मोहनी सुरतिया देख सखी से माहौल में राम भक्ति का रस घोल दिया। बंटी वर्मा ने गीतों से उकेरा राम और भाइयों का प्रेम। स्थानीय कलाकार बंटी वर्मा ने राम और उनके भाइयों के बीच प्यार को अपने गीतों से उकेरा। उन्होंने राम करे ऐसा प्यार हो जाए दुनिया के हर भाई में, ऐसा प्यार था यारो देखो राम लखन रघुराई में। गाया तो गंगा बहुदेशी सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बंटी वर्मा ने माता सीता के वनवास में उठाए कष्टों के बारे में प्रभु श्री राम तक संदेश पहुंचाने के प्रसंग को गीत हे बदरा जाके कही दीह के जरिया जीवंत कर दिया। वहीं संजय कुमार की टीम ने धोबिया नृत्य कर राम भक्तों का मन मोह लिया। नाटक के जरिए समाज की कुरीतियों पर भी किया प्रहार। रामायण के अहिल्या उद्धार कथा की थीम पर प्रस्तुत नाटक सुन लो स्वर पाषाण शिला के माध्यम से आजमगढ़ के रंगकर्मी राजकुमार शाह की टीम ने समाज में युवतियों महिलाओं के साथ होने वाली बलात्कार छेड़खानी की घटनाओं पर करारा प्रहार करते हुए समाज के ऐसे लोगों को कठघरे में खड़ा कर दिया। अहिल्या के साथ छल देवराज इंद्र ने अपने अधीनस्थ चंद्रमा के साथ मिलकर किया था, किंतु दंड ऋषि गौतम ने अहिल्या को दिया।
इस तरह की घटनाएं आज भी घटित हो रही हैं जिसमें उस नारी का कोई अपराध नहीं होता जिसके साथ समाज के सामर्थ्यवान दुराचारी लोगों द्वारा जबरदस्ती की जाती है, लेकिन इसका दंड सबसे अधिक उसे ही भोगना पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र के कहने पर शापित अहिल्या को सामाजिक मान्यता दिलाने का जो पुरुषार्थ किया था उसे आज पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। रामायण कालीन संस्कृत के आदर्शों और मूल्यों की स्थापना के उद्देश्य से रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन कुछ प्रश्न अवश्य छोड़ गया जिस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। लोकगीत गायक गोपाल राय ने राम पर आधारित भोजपुरी गीत से पूरे माहौल को राममय कर दिया। गोपाल ने भज राम रघुराई से कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद जय श्री राम और हमारा दुल्हा सहित अन्य गीतों से सबको राम की भक्ति में डुबो दिया। क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव और अयोध्या शोध संस्थान के लवकुश त्रिवेदी के संयोजन में यह कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के दौरान सभी कलाकारों का सम्मान स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्रम से किया गया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट नागेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी राजेश यादव, मोतीलाल यादव, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी धनराज यादव, आयोजन समिति के सदस्य शिव कुमार कौशिकी, भानु प्रकाश सिंह बबलू, अभय सिंह कुशवाहा, राजकुमार मिश्र, अरविंद उपाध्याय, इफ्तिखार खां, धीरज गुप्ता आदि मौजूद रहे।